नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 25 सितंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार के नवनियुक्त डीजीपी ने नीचे से लेकर ऊपर तक के अधिकारियों से गलती की जिम्मेदारी लेने की कही बात। बिहार के नवनियुक्त डीजीपी ने पदभार संभालते ही काम करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में उन्होंने विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पहल शुरू कर दी है। इस मुद्दे पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान अपनी बातें साझा की और कहा है कि पुलिस की छवि बदलनी उनकी पहली प्राथमिकता है। डीजीपी एसके सिंघल ने कहा है कि बिहार में हो रहे अप्रिय वाक्यों पर नियंत्रण करने के लिए विधि व्यवस्था को दुरुस्त करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसका हर हाल में निर्वहन किया जाएगा। इतना ही उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस में होने वाली गलती और सजा पुलिस अधिकारियों पर भी तय होगी, सिर्फ अधीनस्थों पर नहीं। बिहार के 11 जिलों में 28 से चलाया जाएगा फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। फलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम हेतु 11 जिलों में दिशा निर्देश का अनुपालन किया जा रहा है। इसके साथ ही मुहिम को चलाने की शुरुआत की जाएगी। राज्य स्वास्थ्य समिति एवं ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज की तरफ से आयोजित मीडिया कार्यशाला में इस बात की जानकारी दी गई है। राज्य स्वास्थ्य समिति के सचिव सह कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने फलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए MDA के महत्व और उपचार के बारे में भी बताया है। पूर्णिया और शिवहर में बाढ़ की परेशानी एक बार फिर बढ़ी। शिवहर में बागमती नदी लाल निशान से लगभग 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिससे शिवहर जिले में बाढ़ की परेशानी उत्पन्न हो गई है। शिवहर मोतिहारी स्टेट हाईवे 54 कच्ची दरगाह बाढ़ के पानी का दबाव बढ़ गया है, जिसके कारण आवागमन पूरी तरीके से बंद है। जिसके तहत पूर्णिया जिले में भी लगातार हो रही बारिश के बाद कनकई नदी उफान पर है। पूर्णिया में तो कटाव भी तेजी से हो रहा है, जिसके बाद लोग परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, शहर में स्टेट हाईवे 54 के कच्ची पथ पर लगभग 5 फीट पानी का बहाव हो रहा है। लोग नहाव के सहारे मोतिहारी आवागमन कर रहे हैं। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,74,000 के पार। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1,203 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,76,266 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 57, अरवल में 10, औरंगाबाद में 15, बांका में 30, बेगूसराय में 14, भागलपुर में 27, भोजपुर में 16, बक्सर में 14, दरभंगा में 24, पूर्वी चंपारण में 36, गया में 24, गोपालगंज में 48, जमुई में 19, जहानाबाद में 7, कैमूर में 4, कटिहार में 39, खगड़िया में 6, किशनगंज में 18, लखीसराय में 5, मधेपुरा में 28, मधुबनी में 52, मुंगेर में 13, मुजफ्फरपुर में 65, नालंदा में 85, नवादा में 13, पटना में 192, पूर्णिया में 54, रोहतास में 36, सहरसा में 43, समस्तीपुर में 15, सारण में 29, शेखपुरा में 21, शिवहर में 12, सीतामढ़ी में 9, सिवान में 16, सुपौल में 48, वैशाली में 13, पश्चिम चंपारण में 45। वहीं दूसरी तरफ ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन शाम 4 बजे तक जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर 1,59,700 मरीज ठीक हो चुके हैं, वहीं 868 लोगों की जान जा चुकी है। NMCH में हर दिन कोविड-19 के 500 सैंपल की होगी जांच। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने लोगों से विशेष एहतियात बरतने की अपील करते हुए कहा है कि कोविड-19 का प्रभाव तब तक नहीं होगा जब तक इसके वैक्सीन बाजार में नहीं आ जाएंगे। इतना ही नहीं, हाल ही में कोविड-19 की जांच में तेजी लाने के लिए NMCH में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में लगाए गए रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मशीन का उद्घाटन किया गया। इस मशीन के चालू हो जाने से अब हर दिन लगभग कोविड-19 के 500 सैंपल की जांच संभव हो सकेगी। गौर करने की बात यह है कि पहले कोविड-19 के RT-PCR जांच को लेकर सैंपल कलेक्ट कर उसे जांच के लिए RMRI में भेजा जाता था। पूर्वी चंपारण के पीपरा में आज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पीपरा पहुंचने वाले हैं, जिसके लिए तैयारी पूरी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को पीपरा थाने में बलवा कोठी गांव में स्वर्गीय दरोगा पांडे के श्राद्ध कर्म का हिस्सा बनेंगे। इतना ही नहीं, इसको लेकर बीते दिन ही डीएम ने अधिकारियों के साथ गांव का दौरा भी कर लिया था। इसके लिए डीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री आज दोपहर तक बलवा गांव पहुंच सकते हैं। गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार के किसी भी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने की कही बात। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद उनकी राजनीति में आने की बात लगातार हो रही थी। हालांकि शुरुआत में तो उन्होंने इस बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया था, मगर एक बार फिर से अपनी राजनीतिक पारी के बारे में उन्होंने खुलकर बात की है। राजनीतिक पार्टी में शामिल होने और चुनावी मैदान में उतरने के सवाल पर गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि क्या यह अवैध है कि मीडिया हाउस को दिए एक खास इंटरव्यू में पूर्व डीजीपी पांडे ने कहा है कि बिहार की जनता मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं कहीं भी चुनावी मैदान को जीत सकता हूं। इसके साथ ही चुनाव में मेरे VRS को जोड़ना गलत है।
बिहार में कई इलाकों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की जताई गई संभावना। नेपाल के साथ साथ बिहार के अधिकांश जिलों में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश से कई नदियों के जलस्तर में फिर से वृद्धि देखी जा रही है। इसी बीच नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण गंडक का जलस्तर भी अचानक बढ़ गया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो कई जिलों में भारी बारिश के साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई गई है, जिसके तहत उत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, समस्तीपुर, कटिहार, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इतना ही नहीं, राजधानी पटना में भी सतर्कता जारी कर दी गई है। BRABU के आवेदन प्रक्रिया में 147,000 छात्रों ने फाइनल भरा फॉर्म। BRA बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई को गुरुवार रात से पोर्टल बंद कर दिया गया है। डेढ़ महीने से अधिक समय तक चले आवेदन की प्रक्रिया में 147,000 छात्रों ने फाइनल फॉर्म भरा है। हालांकि सीटों पर अंतिम फैसला नहीं हो सका है। मेरी जानकारी के अनुसार 3 से 4 दिनों में सीट पर विश्वविद्यालय निर्णय ले लेगा। इधर मेरिट लिस्ट जारी करने का समय तय कर दिया गया है। UNIS कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ललन कुमार झा ने इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि 1 अक्टूबर को स्नातक एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। सभी कॉलेज को लिस्ट भेज दिया जाएगा। फर्स्ट लिस्ट के छात्रों को एडमिशन के लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे आनंद मिलिंद की। आनंद मिलिंद हिंदी फिल्मों में एक प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी है। प्रतिभाशाली संगीतकार चित्रगुप्त के दोनों पुत्र आनंद चित्रगुप्त और मिलिंद चित्रगुप्त अपने शुरुआती दौर में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के सहायक भी रहे। चित्रगुप्त परिवार के नाम को रोशन करने वाले आनंद और मिलिंद का जन्म बिहार में हुआ था। आपको बता दें, आनंद और मिलिंद ने अपने पिता के सहायक के तौर पर कई हिंदी और भोजपुरी फिल्मों में संगीत दिया है। उनकी पहली फिल्म कयामत से कयामत तक थी और इस फिल्म में सफलता से कई कीर्तिमान भी स्थापित किए थे। यह फिल्म कलाकार आमिर खान की पहली फिल्म थी। इस फिल्म के गीत पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा उदित नारायण का गाया हुआ है, जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ था। इस पर संगीत के लिए आनंद और मिलिंद को कई अवार्ड भी मिले हैं। अब हर वाहन चालक पर होगी बिहार परिवहन ऐप की नजर। अब हर वाहन चालक पर बिहार परिवहन ऐप अपनी पैरी नजर बना के रखेगा। राज्य में कब, कहां और कैसे अप्रिय वाक्य हुए, कितने लोग इसमें थे और कितने लोग हताहत हुए, किसकी गलती थी, इसकी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो जाएगी। एक ही प्लेटफॉर्म पर अलग अलग परिवहन सेवाओं की जानकारी के साथ ही आसानी से डेटा मिल जाएगा। परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि सड़क पर हो रहे मामलों को देखते हुए आंकड़ों को कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड रखने के लिए बिहार परिवहन मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। उसमें ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित यातायात नियम के उल्लंघन, शुल्क परमिट की निकट के प्रदूषण जांच केंद्र, टैक्स पेमेंट आदि की जानकारी मिलेगी। COVID-19 के माहौल में गंभीर आर्थिक परेशानी के बावजूद शिक्षक कर्मियों के वेतन में कटौती नहीं होने की कही गई बात। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बीते दिन COVID-19 के माहौल के बावजूद स्नातक और शिक्षकों के साथ संवाद के लिए आयोजित वर्चुअल सभा में कई बातें कही हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा कि COVID-19 के माहौल के बावजूद केरल, उड़ीसा आदि कई राज्यों में शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के वेतन में जहां कटौती की गई, वहीं बिहार में 3.5 लाख शिक्षकों के वेतन में 20% की बढ़ोतरी की गई। वेतन वृद्धि किए जाने से उनके मूल वेतन में 2700 से 4000 तक की वृद्धि हुई है। इसके साथ ही इसे राज्य सरकार को 2,765 करोड़ के अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ेगा। साथ ही विश्वविद्यालय शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ दिया गया है। हाल ही में 4,638 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 4 अफसरों की हुई प्रतिनियुक्ति। बिहार प्रशासनिक सेवा के 4 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। राज्य सरकार की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। विशेष भू सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार द्वारा संविदा के आधार पर अमीन के पद पर नियुक्ति के नियोजन के लिए कैंडिडेट के काउंसिलिंग कार्य में इन अधिकारियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक बिहार प्रशासनिक सेवा के 4 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। 28 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक इन अफसरों को अमीन के पद पर नियुक्ति के नियोजन के लिए कैंडिडेट के कार्य में इन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। राजनाथ सिंह ने बिहार के शिक्षकों से की बात। चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बिहार से नाराज तबकों को मनाने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीते दिन बिहार के शिक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दौरान कहा कि बिहार के शिक्षकों में ना तो बुरा समय भी देखा है, बहुत संघर्ष किया है। मुझे वो समय याद है जो बिहार के शिक्षक सड़क पर उतर गए थे और विरोध के लिए मजबूर हो गए थे। कारण क्या था? 6 महीने से वेतन नहीं मिला, साल भर से वेतन नहीं मिला। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के नए मुहावरे गढ़े गए हैं, जहां छात्रों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग की तरफ बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने दर्ज कराया मामला। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने बीते दिन मामला दर्ज करवाया है। मिली जानकारी के अनुसार थाने में दर्ज करवाए गए मामले की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे नाम से फेक अकाउंट बनाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में गलत टिप्पणी की जा रही है। फिलहाल मामला दर्ज करवा रहा हूं, ऐसे लोगों से सावधान रहे। आपको बता दें, गुप्तेश्वर पांडे के नाम से फेक फेसबुक अकाउंट बनाया गया था। उसी अकाउंट से गलत गलत टिप्पणियां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ की जा रही थी। नए टर्मिनल बनने के बाद हर साल 80 लाख यात्रियों को सेवा देगा पटना हवाई अड्डा। विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पटना हवाई अड्डा के बन जाने के बाद 80 लाख यात्रियों को सेवा देने की बात कही है। गुरुवार को मीडिया को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि नए टर्मिनल के बनने के बाद पटना हवाई अड्डा पर लाखों यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम हो जाएगा। अभी पटना हवाई अड्डे की क्षमता सालाना 45.3 लाख यात्रियों को संभालने की है। उन्होंने आगे कहा कि पटना में बिहटा हवाई अड्डा शहर का दूसरा वाणिज्यिकीय हवाई अड्डा होगा। वहां नया सिविल एनक्लेव बनाया जा रहा है। इसे हर साल 50 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। अनलॉक 4 उल्लंघन मामले में पुलिस ने अब तक 58 लोगों को लिया हिरासत में। बिहार में लगातार कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अनलॉक 4 को सफल बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला अध्यक्षों को वाहन चेकिंग मुहिम चलाने का निर्देश दे दिया है। 1 सितंबर से अब तक कुल मिलाकर 16 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं अब तक कुल मिलाकर 58 लोगों को हिरासत में भेजा जा चुका है। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र कुमार की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार 1 सितंबर से लेकर अब तक कुल मिलाकर मास्क नहीं पहनने वाले 58,42,350 रुपए वसूले जा चुके हैं। वहीं नियमों का पालन नहीं करने वालों से सिर्फ गुरुवार को 1,79,200 रुपए फाइन के रूप में वसूले गए हैं। कृषि विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही अहम बात। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव के पहले आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से लगातार तीसरे दिन जदयू कार्यालय पहुंचकर मुलाकात की। कार्यकर्ता सम्मेलन समाप्त करने के बाद बाहर निकलने के क्रम में उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के दौरान 25 सितंबर को कृषि विधेयक को लेकर भारत बंद के आह्वान पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि किसानों के लिए कुछ नहीं होता था, अब बहुत कुछ हो रहा है। खरीद का काम जारी है। इस बिल का विरोध नहीं करना चाहिए, किसान के हित में है। इसके बारे में अनावश्यक गलतफहमी है। पहली बार इलेक्शन मोड में दिखी पुष्पम प्रिया चौधरी। कुछ ही महीने पहले अपने आप को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी अब राजनीतिक मूड में नजर आ रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्लूरल्स पार्टी की नेता पुष्पम प्रिया चौधरी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपने गृहनगर दरभंगा पहुंची थी। इस दौरान देर शाम दरभंगा के श्यामा मंदिर में दर्शन करने पहुंची पुष्पम प्रिया चौधरी ने मीडिया से बातचीत की है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री बनकर क्या कर सकती और क्या नहीं कर सकती, ये तो वहां बैठने के बाद ही उन्हें पता चलेगा। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों को बिहार की जनता ने 15-15 साल तक राज करने का अधिकार दिया है, उन ने दिखा दिया कि उनसे कुछ नहीं होगा। शरद यादव की बेटी सुभाषिनी राव राज ने मोदी और नीतीश कुमार को किया शुक्रिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की बेटी सुभाषिनी राज राव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर गुरुवार को एक भावनात्मक पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने एनडीए के नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ गृहमंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन लगातार उनके संपर्क में और फोन पर बात करते हुए उनकी हिम्मत बढ़ाई है। इन सबकी दुआ और आशीर्वाद का असर है कि आप शरद यादव जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ होते नजर आ रहे हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी पत्र के माध्यम से धन्यवाद दिया गया है। पटना में रणदीप सुरजवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री को लिया निशाने पर। पटना में रणदीप सुरजवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीते दिन निशाने पर लिया है, जिसके तहत विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी पार्टी के साथ मिलकर किसान बिल को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजवाला ने केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते हुए कहा कि 3 काले कानून के माध्यम से मोदी और नीतीश बाबू किसानों को तबाह कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बिहार में कांग्रेस समर्थित सरकार बनी तो किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून लाने की भी बात कही है। किसान बिल के खिलाफ तेजस्वी यादव ने शुरू की मुहिम। किसान बिल को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार विरोध जारी है, जिसकी झलक बिहार में भी अब दिखने लगी है। बिहार में भी इस बिल के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी पहले ही ऐलान कर दिया था कि 25 सितंबर को वो किसान बिल के खिलाफ हुंकार भरने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पटना की सड़कों पर उतरकर उन्होंने बिल का विरोध करने का फैसला लिया है। जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने भी तेजस्वी यादव के बीते दिन पूरा समर्थन किया है। तेज प्रताप यादव ने बिहार की जनता से अपील की है कि इस बिल के विरोध में तेजस्वी के साथ मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोले।
अभी कुछ दिनों तक रिया चक्रवर्ती के बाहर आने की कोई आसार नहीं। रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका की सुनवाई मुंबई हाईकोर्ट ने 29 सितंबर तक के लिए टाल दी है। वहीं अब रिया चक्रवर्ती और उनके भाई की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। तब तक उन्हें सलाखों के पीछे रहना होगा। रिया चक्रवर्ती फिलहाल एनसीबी की तरफ से जारी किए गए जांच पड़ताल के कारण सलाखों के पीछे चल रही है। रिया के साथ ही उनके भाई भी इस मामले को लेकर एनसीबी की गिरफ्त में है। आपको बता दें 8 सितंबर को रिया और उनके भाई दोनों एनसीबी ने हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में मुंबई के भाई खला में भेज दिया गया था। जूम ने लॉन्च किया नया फीचर। जूम प्लेटफॉर्म ने भारत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए काफी इस्तेमाल किया जाता है। कोविड 19 के माहौल में जूम ऐप काफी मशहूर भी हुआ। इस ऐप की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अनुभव को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए समय समय पर फीचर में अपडेट किया जाता रहा है। उनकी तरफ से एक बार फिर से इसे अपडेट करने का ऐलान गुरुवार को किया गया है, जिसके मुताबिक जूम प्लेटफॉर्म पर कई नए फीचर्स आने वाले हैं। कंपनी ने ऐलान किया है कि नए अपडेट के बाद इस ऐप से वीडियो कॉलिंग के जरिए जोड़ना काफी आसान हो जाएगा। साथ ही वीडियो कॉलिंग का अंदाज कुछ हद तक बदला भी जाएगा। इसके साथ ही जूम की तरफ से जो नए फीचर्स को अपने प्लेटफॉर्म में जोड़ा गया है उसमें मल्टी पिनिंग, स्पॉटलाइट, न्यू गैलरी, कैप्शन साइज के साथ कई कीवर्ड शॉर्टकट शामिल है। किंग्स इलेवन पंजाब की टीम के सामने नहीं टिकी रॉयल चैलेंजर्स। आईपीएल प्रीमियर लीग के छठे मैच में किंग्स इलेवन पंजाब ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को करारी मात दी है। किंग्स इलेवन पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 206 रनों का लक्ष्य आरसीबी के सामने रखा था। वहीं किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने बेंगलुरु की गेंदबाजी की जमकर खबर ली, जिसमें महज 69 गेंदों पर 132 रन बनाकर केएल राहुल का यह शतक बेंगलुरु पर भारी पड़ गया। 207 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलुरु की टीम की बल्लेबाजी फ्लॉप साबित हुई। बेंगलुरु की टीम 109 रन पर ऑल आउट हो गई, जो कि केएल राहुल के निजी स्कोर को भी पार नहीं कर पाई और यह मुकाबला 97 रनों के अंतर से हार गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है उजाला चौधरी, सोनू राजवंशी, मिथुन सिंह, शाहनवाज अहमद, सुबोध कुमार, अरविंद प्रसाद, नीतीश कुमार, ओमकार सिंह, पवन एंटरटेनमेंट, चंदन कुमार, हेमंत राज, शंकर यादव, जलंधर शेखर, जयशंकर कुमार, रवि रंजन कुमार, नीरज कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार महागठबंधन में असंतुष्ट रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को महागठबंधन का हिस्सा बने रहना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।